बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज डोपली? लास्ट वीडियोस में मैंने आपको बताया मोनोपली क्या होती है। मोनो मीन सिंगल और पोली मीन सेलर, तो मोनोपली में तो होता था सिंगल सेलर। तो डोपली ये इसका मतलब है कि मार्केट में दो सेलर हैं। डू इट राउंड भी होता है सिंगिंग्स वगैरह पे, और दो लोग मिल के सॉन्ग वगैरह उसको परफॉर्म करते हैं। ड्यूअल लैंग्वेज, दोहरी जुबान जिसे कहते हैं, इसी तरह डोपली उसमें सेलर एक नहीं होगा, दो होंगे। अब दोनों सेलर गुड्स एंड आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और प्राइस जो भी वो सेटल करेंगे वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे। वो अपनी मर्जी से प्राइस सेटल करेगा और पहली फर्म अपनी मर्जी से प्राइस सेटल करेगी। इसी तरह आउटपुट उसने कितनी डिटरमिन करनी है, प्रोडक्शन उसने कितनी करनी है, इस मामले में भी दोनों फर्म्स बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। वो अपनी मर्जी से आउटपुट डिसाइड करेगी कि मैंने इतनी क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बेचनी है, और पहली फर्म अपनी मर्जी से क्वांटिटी सेट करेगी। प्राइस के मामले में और आउटपुट डिटरमिनेशन के मामले में दोनों इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक की स्ट्रेटजी दूसरे को अफेक्ट कर रही होती है। पहले की नजर होती है कि भी दूसरा क्या प्राइस रखेगा, उस हिसाब से मैं अपनी प्राइस सेटल करूं, या ये कितनी प्रोडक्ट अपनी सेल आउट कर रहा है उस हिसाब से मैं अपनी प्रोडक्ट को एडजस्ट करूं, इसकी क्या क्वालिटी है उस हिसाब से मैं अपनी क्वालिटी को मैनेज करूं। तो एक की स्ट्रेटजी दूसरे को अफेक्ट लाजमी कर रही होती है, एक दूसरे के ऊपर इन दोनों फर्म्स की वो नज़र होती है। लेकिन वो दोनों ही गुड्स प्रोडक्शन में, प्राइस डिटर्मिनेशन में, आउटपुट डिटर्मिनेशन में एक दूसरे के बिल्कुल वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसे कहते हैं जी डोपली। डोपली में देर आर टू प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। मोनोपली में था सिर्फ सिंगल प्रोड्यूसर। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में लग गया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।